सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भारत के आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुथन्नी तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनकी माता का नाम सर्वपल्ली सीता था। उनका जो परिवार था वो सर्वपल्ली गांव से था, जो कि नेल्लौर जिले का था। इनके जीवन का आरंभिक समय तिरुथन्नी और तिरुपति जिले में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा केवी हाई स्कूल तिरुथन्नी में पूरी हुई और 1896 में वो हरमंसपद एवेंजेलिकल लूथरन मिशन स्कूल में जो कि तिरुपति में स्थित है वहाँ पर उनकी पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर राधाकृष्ण अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत ही मेधावी छात्र थे, तो उन्होंने अपने जीवन में कई छात्रवृत्तियाँ प्राप्त की। इन्होंने वुड्स कॉलेज जो कि वेल्लोर में स्थित है वहाँ से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने अप्रैल 1909 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मद्रास प्रेसिडेंटी कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसरों का जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, उसमें उनको शामिल कर लिया गया। उसके बाद 1918 में मैसूर की यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में भी ये फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। यानी उस समय के ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। उसके बाद 1921 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी फिलॉसफी के प्रोफेसर बन गए। इसके बाद वो आंध्रा यूनिवर्सिटी में 1931 से लेके 1936 तक वो वाइस चांसलर रहे। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भारत को यूनेस्को 1946 से लेके 1952 तक भारत का यूनेस्को में प्रतिनिधित्व किया। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था और उसके बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। जब वो भारत के राष्ट्रपति रहे तब उनके कुछ विद्यार्थियों और मित्रों ने आग्रह किया कि उनका जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे जन्मदिन के बजाय यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाएंगे तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। तभी से शिक्षक उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। वो 1933 से लेकर 1937 तक वो 5 बार साहित्य के नोबेल प्राइज के लिए नामांकित हुए। 1954 में उन्हें भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ। 1962 से ही उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगा। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला। वो सम्मान पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 1989 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके नाम से छात्रवृत्ति आरंभ करी। तो गाइस, ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा गाइस।